आज की वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ ड्राई इटी स्कैल्प और डैंड्रफ के लिए एक क्विक एंड इजी होम रेमेडी। अगर आपकी त्वचा रूखी और पपड़ीदार है, खुजली करने के लिए बार बार हाथ सिर में जाता है, डैंड्रफ है, तो ये होम रेमेडी बहुत ही फायदेमंद है। इस होम रेमेडी को इस्तेमाल करने से पहली बार में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस होम रेमेडी में क्या चीजें लेनी है और उसको कैसे लगाना है ये भी मैं आगे बताऊंगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर ये होम रेमेडी आपको पसंद आए तो वीडियो के नीचे लगे लाइक बटन से वीडियो को लाइक जरूर करिए। साथ ही आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल कलर्स एंड फ्लेवर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। उसके बाद आने वाली बेल बटन को भी ऑल पर ऑन करें, इससे मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्राई इची स्कैल्प और डैंड्रफ के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ले लें। कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल आप अपने हेयर स्कैल्प और हेयर के हिसाब से एक या दो चम्मच ले लें। कोकोनट ऑयल को अपनी हेयर स्कैल्प और बालों में लगा करके बालों को कंघी की सहायता से अच्छी तरह से सुलझा लें। कोकोनट ऑयल को अब सिर्फ हल्के हाथों से ही अपनी हेयर स्कैल्प में लगाएं। कोकोनट ऑयल बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये स्कैल्प के इन्फेक्शन को रोकता है, डैंड्रफ को भी रिमूव करने में हेल्पफुल है। हेयर स्कैल्प में कोकोनट ऑयल लगाने के बाद हमें दूसरे स्टेप में लेना है कॉफी पाउडर। दूसरे स्टेप के लिए हम लेंगे एक बाउल में दो चम्मच भर करके कॉफी पाउडर। अगर कॉफी पाउडर कम लगे तो आप बाद में थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं। कॉफी पाउडर हेयर स्कैल्प को क्लीन करता है, पपड़ीदार त्वचा को हटाता है। हेयर स्कैल्प में डैंड्रफ, पपड़ीदार त्वचा यानी फ्लैकी स्कैल्प, ईचिंग होना आदि बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। कॉफी स्क्रब करने से हेयर स्कैल्प की डेड सेल्स हटती है, जिससे हेयर स्कैल्प फ्रेश और क्लीन होती है। ये हेयर स्कैल्प के पीएच बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है, ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करती है। इस ट्रीटमेंट के सेकेंड स्टेप में कॉफी पाउडर से ऑयल लगे हेयर स्कैल्प में कुछ देर लगभग 8 से 10 मिनट तक स्क्रब करते हुए मसाज करें। इसके लिए थोड़ा थोड़ा कॉफी पाउडर लेकर के सिर में अलग अलग जगह पर लगाएं और स्क्रब करें। अगर कॉफी पाउडर कम लगे तो और ले लें। आप चाहें तो कॉफी पाउडर को ऑयल लगे बालों में हल्के हाथों से पूरी लंबाई में लगा लें। इससे बालों का टेक्सचर भी अच्छा होगा और बालों में रंग भी अच्छा आएगा। 8-10 मिनट स्क्रब करने के बाद कॉफी पाउडर को बालों में 40 मिनट से 1 घंटे तक लगा रहने दें। उसके बाद कॉफी पाउडर और ऑयल लगे बालों को किसी माइल्ड शैम्पू से धोएं। बालों को शैम्पू करने के बाद आप चाहें तो कंडीशनर भी लगाएं। ड्राई इची फ्लैकी स्कैल्प और डैंड्रफ के लिए इस ट्रीटमेंट को आप वीक में एक बार जरूर करें। बेस्ट रिजल्ट के लिए इसको आप 4-5 वीक तक करें। ये एक इजी होम रेमेडी जिसको आप आसानी से घर पर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।